हाय दोस्तों so, मैं हूं आपके साथ तनबी सूद आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जॉन अब्राहिम लेकर आए हैं बाटला हाउस इस फिल्म ने न सिर्फ ऑडियंस का दिल जीत लिया है बल्कि क्रिटिक्स ने भी इसे अच्छे खासे रिव्यूज दिए हैं वहीं अगर बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो ऐसा कहा जा रहा है की ये फिल्म अपने पहले दिन तेरह से चौदह करोड़ का कारोबार कर लेगी एक्सपर्ट्स का कहना है कि रक्षा बंधन और इंडिपेंडेंस डे होने की वजह से इस फिल्म को खूब फायदा हो सकता है साठ करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को लगभग पच्चीस सौ स्क्रीन मिली है बता दें फिल्म की कहानी 2008 में हुए बाटला हाउस इनकाउंटर के इर्द गिर्द भी घूमती है जॉन ने फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया है और अपने किरदार में जान डाल दी है वहीं निखिल अडवाणी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उनके अलावा मृनल ठाकुर रवि किशन जैसे स्टार्स रोल में नजर आए हैं वैसे आपको बता दें बाटला हाउस का सीधा मुकाबला अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म मिशन मंगल से है जिसे जगन शक्ति ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में खिलाड़ी कुमार के अलावा विद्या बालन कृति कुल्हारी सोनाक्षी सिन्हा तापसी पन्नू और शर्मन जोशी जैसे स्टार्स नजर आए हैं वैसे अब देखना ये होगा जॉन और अक्षय में से बॉक्स ऑफिस पर किसकी जीत होती है और किसकी हार वैसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप मिशन मंगल और बातला हाउस में से कौन सी फिल्म को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो आई आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। आई रियली डोंट थिंक यू रिक्वायर एनी टैलेंट टू लव योर कंट्री So, I think it comes uh, naturally when you see the flag, when you when you feel for the country, yes. and these roles come really naturally. Uh, but I just want to take one moment off and thank everybody on the stage here. Everybody is a fantastic partner Munisha, Bhushan, Nora, Nikhil, Ronal, Ritesh, uh, fantastic writing. I think you've been everything. Madhu, Sandeep, all of you. Uh, Kumarji, thank you for really being a fantastic partner in distributing this film and supporting us. And my two girls here who are fantastic Vinod, thank you so much, Neeraj. Thank you. Sayukta, my head of development, she's written some fantastic films. Uh, she's written Neerja Parmanu. And uh, Minakshi, who's uh, been solid like a rock, and every shot she's actually stood behind me. So these are invaluable to.

जॉन uh, से मेरे दो सवाल थे आपसे कि हमने देखा कि लगातार जो आपकी फिल्में आई हैं कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट पर हैं जो कि uh, किसी सोशल इशू पे रहती हैं हमेशा तो ऐसे ही फिल्में अगर स्क्रिप्ट हो तो जॉन को अप्रोच करते ज़्यादा आसानी होगी ऐसा हम मान के चले आई थिंक समटाइम्स इसके बाद तो मेरी अगली फिल्म एक कॉमेडी है सो आई थिंक आई लाइक टू डू ऑल काइंड ऑफ फिल्म मुझे कॉमेडीज़ बहुत पसंद है <laughs> पागलपंथी मेरी नेक्स्ट फिल्म है सो आई थिंक इट्स फन टू डू ऑल काइंड लेकिन ये uh, uh, दिस काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्पेशल जॉन हालांकि दूसरा सवाल हालांकि हम फिल्म प्रमोशन के लिए यहाँ पर आए हैं लेकिन एक और आजकल आ, मुद्दा है कि पानी की कमी बहुत हो गई है तो वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं तो किस तरह से देखते हैं अब इसको जॉन आई थिंक इट्स एक्चुअली रेलिवेंट क्वेश्चन वेरी ऑनेस्टली आई थिंक समथिंग कॉल वाटर हार्वेस्टिंग जो हम लोग ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं सिटी में आई थिंक इफ यू कैन हार्वेस्ट वाटर राइटली दिटी एंड द कंट्री कैन हैव इनफ वाटर हमें भी बहुत टेंशन होता है जब भी हमें पता चलता है कि बारिश नहीं हुई है जब बारिश होती है हमें तकलीफ होती है वी लुक एंड से अभी फ्लडिंग होगी यहाँ पे बट वी डोंट हैव इनफ रेन्स इन द सिटी इन दिस कंट्री द रिवर्स आर गोन ड्राई अप इन द नेक्स्ट ट्वेंटी थर्टी ईयर्स सो इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम दिस कंट्री इज़ फेसिंग और उसके ऊपर जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज डिसाइडेड टू का थर्टी थ्री हेक्टर्स ऑफ लैंड इन आर एम एल कॉलोनी तभी आपके दिमाग में ये होता है कि आर वी रियली थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन और द रॉन्ग डायरेक्शन

तब बॉम, बॉम्बे में भी जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें भी जो लोग पाए गए थे उनका भी कही कहीं ना कहीं कनेक्शन पाया गया था निखिल जी अगर आपकी बात करें तो आप काफ़ी बोल्ड हैं और आपने डी डे बिना बिना किसी दुराव छुपाव के उसमें हर चीज़ आपने डाली तो फिर ये जो फिल्म थी इस, इस फिल्म में आपने जो चंद्रमोहन जी का एनकाउंटर एंका, में डेथ हुई थी जो मारे गए थे उसके बाद राशिद पकड़ा गया पकड़ा नहीं गया सॉरी उसने जो बयान दिया राशिद का जो बयान था कि आ, आ, हमने जो भी किया और उससे साफ जाहिर हो गया कि ये आ, जो एनकाउंटर था वो सच में हुआ था और अगर कोई मरा तो सिर्फ वो चंद्रमोहन जी मरे उस वक्त अरुंधति राय से लेके ढेर सारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उसमें केजरीवाल भी थे उसमें दिग्विजय सिंह भी थे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने इसका आ, सपोर्ट किया था और बहुत आंसू बहाए थे तो आपने अपनी फिल्म में चूंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि आप बहुत बोल्डली किसी भी सब्जेक्ट को उठाते हैं तो इसमें पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं दिखाया गया जिन्होंने आप जब फिल्म देखोगे मैं आपको लेके जाऊंगा फिल्म देखने के लिए जी हाँ इसमें इसमें दिग्विजय सिंह है अमर सिंह है अरविंद केजरीवाल है सब है जी। सब जी। लोग हैं। जी, जी। सारे पॉलिटिशियंस हैं इसमें हाँ, हाँ हालांकि मतलब अगर आ, हाँ है वॉच इट जॉन सर योर सेंटर राहुल फ्रॉम द फिल्म चर्चा देर आर इवन मोर पॉलिटिशियंस बाय द वे जॉन सर योर सेंटर राहुलियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा मेरा सवाल आपसे ये था सबसे पहले तो ट्रेलर जितना धमाकेदार है आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी पावर पैक लगी सर और कुछ सालों से जिस तरह की फिल्में आप कर रहे हैं पेट्रियाटिक फिल्म रियलिस्टिक फिल्म तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को लेकिन एक चीज़ और है कि जब देखा जाता है जब चर्चा होती है कि रियलिस्टिक फिल्म पेट्रियाटिक फिल्म की तो दो नाम सामने आते हैं एक जॉन अब्राहम दूसरा अक्षय कुमार आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं सर और कुछ ऐसी भी दोस्ती होती है बहुत कम ऐसी दोस्ती देखने को मिलती है कि Uh, दोस्ती अच्छी हो और पसंद भी दोनों की एक जैसी हो एक, एक ही डेट पे आते दुनों. पिछले साल आप दोनों साथ में आए थे और इस साल भी आप दोनों साथ में आ रहे तो इस दोस्ती को आ, क्या नाम दूक समीन ऑनेस्टली यू नो आई ऑनेस्टलीव लव टू क्रिएट लेकिन अक्षय मी आर वेरी डिफरेंस और वी रियली गेट along. हम लोग ने इनफैक्ट और सो ही हम लोग ने एक दूसरे को मैसेज किया देर इज़ एब्सोल्यूटली नथिंग हम लोग सिर्फ दो फिल्म्स रिलीज कर रहे हैं एक दिन पे देर इज इनफ स्पेस ऑडियंस को यही दे रहे कि वी गिविंग ऑडियंस अ लॉट ऑफ चॉइस टू चूज फ्राम गुड फिल्म एक तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी फिल्म बहुत अच्छी है एटलीस्ट वन चॉइस द ऑडियंस हैज इन द हेड कि एक फिल्म तो अच्छी है आई होप दी अदर टू फिल्म ऑल्सो आर वेरी गुड दट ऑल आई कैन होप फॉर बट ऑगस्ट फिफ्टीन इज अ ग्रेट डेट जॉन हाई दिस साइड अंकिता फ्रॉम रिपब्लिक फर्स्ट ऑफ ऑल The trailer looks promising, very nice, very amazing, Thank and you. we are looking forward for the film. Uh, my question to you is, be it Akshay in Surivanchi, be it the Singham franchise, be Butla House for a matter of fact. कहीं न कहीं वर्दी जो है वो अपना कमाल दिखा ही रही है, and you know uh, footfalls जो हैं जो theatres में लोग आते हैं वो काफी increase होता है. Do you think कि जो वर्दी है या you know playing a cop is a hit formula uh, for a film? No. It's not. Content is the hit formula for a film. If your film is good, it'll run. If it's not good, it will not run. You can wear a cop uniform in a bad film; it will not run. So, content is most important. Uh, John, yeah, uh, John. Uh, with your films, you have been like uh, pulling cars, breaking tires, and now mobile phones. So, is it like deliberately put inside the, the film, or it is like uh, uh, the demand of the film? I in real life, I can't break everything. <laughs> I really, <laughs> I enjoy breaking things, so. no, but uh, it should look believable, and I think with me, uh, my director of Satyamev Jayate is sitting here, the cute little boy, not little, he's quite big actually, <laughs> Milap, so, I mean, uh, I feel sometimes when it looks believable on, a, on, uh, on, a, on an action hero, then so be it, so that's why uh, I think my directors make me do it, and I feel I can.